4 बजे उठ करके फिर मैं 8 बजे तक यहाँ पर रहता हूँ, फिर शाम को 3 बजे से फिर 8 बजे रात तक रहता हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज इसी में हमारा भी हो जाता है और शौक भी मेरा पूरा जाता है और प्रॉफिट भी हो जाता है। देसी उपचार तो है, चीनी और तेल और डिटाइल मिला के दिया जाता है, लेकिन अब वो रह नहीं गया। लोकल पशु आहार पा जाते हैं, कोई खिला देते हैं तो डॉक्टर लोग बताते हैं, हम भी खिलाते थे। अच्छा, हमारा भी 1 साल तक कोई गाय घर में थे, बकेना भैंस लाते थे जो 5-6 लीटर दूध गाभिन थी, उसको खिला करके तैयार करके अच्छा फिर हम अपने तब हम उठी किए। समय चरी है। अच्छा, इसके बाद घोड़जई आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद बरसीन हो जाएगा। अच्छा, तो गायों को कितना फीड देते? दूध की मार्केट लोकल में दुकान थे पहले, वहाँ पर भिजवा रहे थे। अच्छा, तो जब जिससे बढ़ता गया दूध तब यहाँ पर खिप नहीं पा रहा था, तो आप जोड़ लीजिए 200 लीटर दूध का दाम हम 40 रुपया के हिसाब से रखे, 50 छोड़ दीजिए आप, मतलब बैठ के 50,000 कमा रहे हैं। गोबर अलग से खाद, अच्छा 2,000 रुपया टाली बिक जा रही है, बछिया और बछिया पड़िया है वो भी निकल जाए तो घाटा कहाँ होगा। शुरुआत करना चाहे तो उसके हाथ में दूने के लिए खिलाने के लिए उसको आता हो तभी शुरुआत करें। अच्छा, नहीं तो उसको कुछ आता नहीं तो इसमें हाथ मत डाल। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में और आप हमारे पीछे जो देख पा रहे गाय और भैंस दोनों की डेयरी है, उधर आपको गाय की दिखेगी और इस साइड में यहाँ भैंसों की डेयरी दिखेगी। गायों में हम बात करें तो इन्होंने HF क्रॉस पशु रख रखा है और भैंसों में बात करें तो मुरा नस्ल की भैंस रख रखे हैं। तो दोनों जो है काफ़ी शानदार ब्रीड इन्होंने रख रखी है। कब शुरुआत किए थे, कितनी पशु से शुरुआत किए थे, कितनी लागत से शुरुआत किए थे, शुरुआत करने में इनको क्या परेशानी आई थी, क्या कठिनाई आई थी, या शुरुआत में ही इतनी बड़ी सेटअप इन्होंने बना रखा था या बाद में बनाए, और दूध की सेलिंग कहाँ करते थे, हर एक चीज़ हर एक बिंदुओं पर हम बात करने वाले इस वीडियो में कि कैसे लोगों को शुरुआत करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, और इनको कितना मुनाफा हो जाता है, कितना घाटा हो जाता है, कब घाटा होता है, हर एक चीज़ हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए ऑनर से बात करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता है। तो आइए हम सर से बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा और ये आपका फार्म कहाँ पर ये बता दीजिएगा सर। मेरा नाम सूर्य प्रकाश राय है, ग्राम बड़गो, पोस्ट बड़गो, जिला संत कबीर नगर, थाना धनघटा, तहसील धनघटा। तो सर आप इस डेयरी फार्म को कब से संचालित कर रहे हैं? एक 5-6 साल हो गया। अच्छा, 5-6 साल हो गया। शुरुआत कितनी पशु से किए थे सर? शुरुआत तो 4-5 पशु किए थे। 4-5 पशु से? अच्छा, 4-5 पशु की खरीदारी मतलब शुरुआत में कहाँ से किए थे सर? देहात से घूम कर लिए थे। अच्छा, गांव देहात से, मतलब व्यापारी से। जी जी जी। तो जैसे 4-5 पशु गाय लेकर के आए थे, भैंस लेकर के आए थे? नहीं, भैंस, 4 भैंस एक बार लिए थे, गाय तुम्हारे पास थी। अच्छा, गाय आपके पास पहले से थी? जी जी। तो वो जो गाय थी वो कितने लीटर वाली थी? 20 लीटर। 20 लीटर वाली कितनी, एक थी या दो थी? नहीं, तीन थी। तीन भैंस गाय थी और 4 भैंस लेकर के आए। तो 4 भैंसों की खरीदारी सर किए तो उसमें मतलब कितनी लागत लगाए थे? 4 भैंस 4 लाख के लिए थे। अच्छा, और गाय लिए थे 65-70 हज़ार एकड़ से लिए थे। अच्छा जी। तो जब आप शुरुआत किए थे सर, टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब आपका कितना लगा होगा, कितना खर्च किए थे इन्वेस्ट करने में? अब कुल 8-10 लाख रुपये लगा था। 8-10 लाख तो बना बनाया था घर का। अच्छा, आपका ये बना बनाया था जी। 8-10 लाख रुपये लगा के तुरंत चालू कर दिए थे। अच्छा जी। तो आखिर इसमें आपको ऐसा क्या दिखा कि आपने मतलब इसको शुरुआत कर दिया? हमको प्रॉफिट दिखा, हमारा शौक भी पूरा हुआ ना। मैं भैंस गाय और घोड़े का और गाड़ी का अच्छा बहुत शौकीन हूँ जी। तो हमको शौक लगा, हमारा शौक भी भैंस गाय से पूरा हो जाता है और बिजनेस भी हो जाता है। अच्छा, और बच भी जाता है जी, और सुबह शाम टाइम भी पास हो जाता है। अच्छा, हम भी इसी में लगे रहते हैं, एक्सरसाइज हो जाता है। अच्छा, जो कि हमें आज तक ने शुगर ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है। अच्छा, यही कारण है कि मैं सुबह जी 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 सुबह 4 बजे उठ करके फिर मैं 8 बजे तक यहाँ पर रहता हूँ, फिर शाम को 3 बजे से फिर 8 बजे रात तक रहता हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज इसी में हमारा भी हो जाता है और शौक भी मेरा पूरा जाता है और प्रॉफिट भी हो जाता है, खर्चा भी निकल जाता है। तो जैसे जब शुरुआत किए थे तो सर क्या परेशानियाँ आई थी, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शक बंधुओं को बताएंगे सर? अब परेशानियाँ वो ये कई परेशानी है जो थनहा इलाका है पशु के लिए, भैंस। अच्छा, शुरुआत में किए थे तब भी वो तो अब जो गर्मी का टाइम आएगा वही दिक्कत हो जाता है। अच्छा, गर्मी में बुखार है और थनहैला। अच्छा हाँ, यही बहुत भयंकर होता है। तो थनहैला का फिर उपचार कैसे करते थे? उपचार लोकल डॉक्टर लोग बुला करके दवाई करवाते हैं। अच्छा, कोई देसी उपचार वगैरह नहीं करते थे? देसी उपचार करते हैं, लेकिन अब देसी उपचार रह नहीं गया। देसी उपचार तो है, चीनी और तेल और डिटाइल मिला के दिया जाता है, लेकिन अब वो रह नहीं गया है। अच्छा, उससे काबू नहीं कर पाता? नहीं, वो काबू नहीं कर पाता। अच्छा, और थनहैला के अलावा और कोई परेशानी है जैसे शुरुआत में किए थे तो? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं थी। तो जैसे आप जब शुरुआत किए थे तो लेबर के सहारे किए थे या खुद? नहीं, अपने खुद कर। अच्छा, खुद के बल पर शुरुआत? खुद के बल पर किए थे, तो एक लेबर था। अच्छा हाँ, लेकिन अब बड़े रूप में हो गया तो अब लेबर बढ़ गए हैं। जी जी जी। अब तो इसके पहले मतलब क्या करते थे सर? 6 साल पहले आप क्या करते थे? 6 साल पहले भी तो
5-6 गाय भैंस रहबे करती थी बराबर परमानेंट। अच्छा अच्छा हाँ। तो मतलब कोई और जॉब वगैरह भी करते थे? नहीं नहीं, नौकरी करते थे, अध्यापक थे। अध्यापक की नौकरी करते थे? तो क्या अभी रिटायर हो चुके हैं? अभी अच्छा रिटायर हो चुके हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं जो अभी आपके पास टोटल पशु कितनी है सर? इस समय 35-40 पशु होंगे। मतलब गाय में की संख्या में अगर देखा जाए तो कितना है सर? गाय कम से कम होगी 20-22 थे। अच्छा 20-22 गाय हैं। और भैंसों की संख्या कितनी? 60 हो। अच्छा तो अब खरीदारी कहाँ से करते हैं सर? अभी देहात से घूम कर खरीदते हैं। तो 6 साल में मतलब आप बछिया या पड़िया नहीं तैयार किया? नहीं, तैयार भी किया, उसमें का भी है। अच्छा। उसमें का घर का बच्चा जो 38-40 किलो दूध दे रही है। अच्छा, घर का भी बच्चा आपने तैयार किया? जी, 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 जिसका जी, कि दूध 38-40 लीटर तक है, अपने हाथ का पोसा हुआ। अच्छा जी। और मतलब कितने लगभग पशु आप तैयार कर चुके होंगे अभी? अरे 20 गाय भैंस तैयार कर बेच भी देते हैं जो 15-16 लीटर दूध के होते हैं उसको निकाल देते हैं, डेयरी लाइब्रेरी नहीं जाते हैं। 20 के ऊपर जो गाय भैंस रहती है उसी को रोक लेते हैं। अच्छा हाँ। तो मतलब 20 से ऊपर वाली को आप रख लेते हैं अपने, बाकी और जी, सेल कर देते हैं। सेल करते। तो सेल करते हैं तो एक अलग आपका मुनाफा का ये जी, जी, है, है। अच्छा तो अब हम जानना चाहते हैं जैसे सिर्फ गायों के बारे में बताएंगे कि गायों में मुख्य समस्या क्यों थनैल आपने बताया, हमने सुना एक रिपीट वगैरह का भी कुछ समस्या है, लेकिन एक गर्मी में 4 महीना होता है लेकिन और ठंडी में नहीं होता है। अच्छा, ठंडी में एक बार में मान जाती है पशु? एक गर्मी वो भी दिक्कत है। अच्छा। लेकिन वो आप जो फीड खिलाया जाता है, अगर जो बढ़िया फीड खिलाया जाता है तो दिक्कत नहीं। अभी लोग लोकल पशु आहार पा जाते हैं कोई खिला देते हैं तो डॉक्टर लोग बताते हैं, हम भी खिलाते थे। अच्छा। हमारा भी 1 साल तक कोई गाय घर में नहीं हुई। अच्छा। डॉक्टर बोले कि पशु आहार तो बंद कर दीजिए। अच्छा। अब पशु आहार बंद किए, 2-3 महीना बंद करने के बाद सारी गाय पाल खा गई, सब रुक गई। तो अभी क्या आपकी कौन सा फीड वगैरह देते हैं? अब तो यही देते हैं जो मन क्या है, पंजीरी है एक, अच्छा C18, C25, C35 यही देते हैं। तो ये C35, C18 पंजीरी ये सब क्या चीज है सर? ये दाना है सब मिला करके। किस कंपनी का आखिर ये, आखिर किस कंपनी का है? हाँ, शीतल कंपनी का है। अच्छा, शीतल कैटल फीड जी। अच्छा, तो क्या इसको मतलब खिलाने से आपको बेहतर रिजल्ट मिला? हाँ, मिला है, दूध का भी और पशु तंदुरुस्त भी है। तो इसके पहले जब आप जो चीजें देते थे तो वो क्या पशुओं में उसके बाद कुछ बदलाव आपको दिखा? जी, दूध में दिखा भी और खा भी रहे हैं बहुत मन से। अच्छा, और तंदुरुस्त भी हैं। अच्छा, और रोग वगैरह को लेकर? हाँ, रोग नहीं है, रोग भी नहीं आया। नहीं, नहीं। मतलब पशु आहार बदलने से आप? हाँ, एकदम संतुष्ट है। मतलब बेनिफिट मिला, संतुष्टि की तो बात अलग होती है। बेनिफिट मिलेगा तभी संतुष्ट रहेंगे हम, जब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो संतुष्ट कहां रहेंगे हम? मतलब उसे आपको अच्छा खासा। हाँ। तो अब हम ये जानना चाहते हैं जैसे किस तरह के पशु आप रखना अपने यहाँ पसंद करते हैं गाय में बताएंगे, जैसे किस तरह के, किस कितने लीटर वाली है? 20 लीटर के नीचे की गाय हमारे पास है, 20, 25, 30, 35 यही हम रखे हैं। अच्छा, और नस्ल देख बोले तो किस नस्ल में? यही HF है, HF में ही रखते हैं। तो क्रॉस में रखते हैं, प्योर ब्रीड में रखते हैं? नहीं नहीं, क्रॉस में है, प्योर ब्रीड कहाँ मिलेगा। अच्छा, तो क्रॉस रखने के पीछे मकसद क्या उनका? मतलब दोगला जाते थोड़ा मोटा होता है उसमें फैट पड़ता है। अच्छा जी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी ज्यादा होती है ना उस तरीके से। तो अब भैंसों के बारे में जानेंगे, तो भैंस में किस नस्ल का आपने भैंस रख रखा है सर? अब मुर्रा नस्ल की भैंस है। अच्छा, तो मुर्रा नस्ल की भैंसों की सर खरीदारी कहाँ से आप करते हैं? हरियाणा से। हरियाणा से ही खरीदारी करते हैं? जी, हरियाणा। तो शुरुआत में तो लोकल से किए थे ना? हाँ, शुरुआत में तो लोकल ही थे, गोरखपुर से लाए थे। अच्छा, तो उसी को खिला करके तैयार करके हम अपने रखे थे। अच्छा जी, मतलब खुद भी आप तैयार किए? जी, हम खुद तैयार, बकेना भैंस लाते थे जो 5-6 लीटर दूध गाभिन थी उसको खिला करके तैयार करके। अच्छा, फिर हम अपने तब हम उठी किए थे उसको। तो अभी मतलब भैंस कितने से कितने लीटर वाली है? अभी भैंस सब 14 से 28 लीटर के बीच में भैंस है। 14 से 28 लीटर तक? 18 तक। जी जी। अच्छा, तो जैसे इनमें अब क्या क्या समस्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर? इसमें भैंस में कोई समस्या नहीं है, भैंस में ना रुकने की भय उठी की समस्या नहीं। भैंस में केवल एक ही समस्या है कि गर्मी लगती है थोड़ा, एक समस्या जैसे उसको भी बुखार होता है, बस इतना ही, कोई विशेष भैंस में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। तो भैंस में जैसे हमने सुना है गला घोटू वगैरह भी होता है? हाँ, तब अभी इसका दिक्कत हमारे वहाँ नहीं दिया। अच्छा, है, और खुरपका मुँहपका ऐसा अभी कुछ? जब तक, जब से हम डेयरी खोले हमारे एक भी पशु को खुरपका मुँहपका नहीं हुआ। चलिए, ऊपर वाले से हम ये दुआ भी करते हैं कि आगे हो भी ना। हाँ। ये बहुत ऐसा रोग है जिससे कि डेयरी बंद हो जाता है, बर्बाद तक हो जाता नहीं है। नहीं, कभी आज तक आपकी दया से तो मतलब 6 सालों का किसी को खुरपका मुँहपका गला घोटू नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा जी। और थनैला वगैरह? थनैला कुछ नहीं, भैंस को एकदम आज तक एक सुई नहीं लगाया रोग का। अच्छा अच्छा जी जी। तो क्या भैंसों का फीड अलग होता है? नहीं नहीं, वही फीड खिलाते हैं। अच्छा, तो भैंसों का अगर देखा जाए 18 लीटर वाली पशु का कितनी कितनी मात्रा में देते हैं फीड, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। मान लीजिए जो भैंस 16-17 किलो दूध देती है तो कम से कम 8-9 किलो दाना चाहिए करिए। अच्छा, दाना वही शीतल वाला? जी। अच्छा, और उसके अलावा फिर 8-9 किलो दाना के अलावा भूसा वगैरह कितना देते हैं? अब भूसा मान के चलिए कि 5-6 किलो भूसा खा जाती है, हरा चारा रहता है तो भूसा एकदम नहीं लगता है। अच्छा, हरा चारा कितना अगर होता है तो हरा चारा कितना देते हैं? हरा चारा कुछ नहीं खाएंगे तो एक एक जानवर
40 किलो कम थोड़ी खाएंगे हरा चारा। अच्छा, पूरे साल हरा चारा मिलता है? हाँ, बरोमास हरा चारा देते हैं। अच्छा, पूरे साल मिल जाता है। कौन सा हरा चारा में कौन सा? इस समय चरी है। अच्छा, इसके बाद घोड़जई आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद बरसीन हो जाएगा। तो गायों को कितना फीड देते हैं आप? 20 लीटर वाली गाय को? 20 लीटर गाय को मान के चलिए कि कम से कम 10 किलो 10 किलो फीड देते हैं। और उस फीड के अलावा भूसा की उनको कितना देते हैं? गाय को भूसा भी 7-8 किलो भूसा भी खाए। 7-8 किलो। और हरा चारा फिर कितना? नहीं, हरा चारा अगर खाती है तो भूसा कम लगता है। भूसा 2-3 किलो भूसा लगता है तो 5-6 किलो 30-40 किलो हरा चारा लग जाता है। अच्छा, तो कैल्शियम मिनरल भी मतलब देते हैं? मिनरल देते हैं, कैल्शियम नहीं देते। अच्छा, मिनरल कैल्शियम मतलब? तो मिल जाता है हरा चारा से। हाँ, वो तो मिल जाता है। हाँ, इसमें से तो कितनी कितनी मात्रा में देते हैं मिनरल को? अब मिनरल एक लाते हैं तो उसको 35 से 40 ग्राम एक जानवर को। अच्छा, 35 से 40 ग्राम एक जानवर को। जी जी। और कीड़ी की दवा कितने दिनों पर देते हैं? कीड़ी की दवा 3 महीने पर। 3 महीने पर। उसके बाद लिवर टॉनिक भी देते हैं? हाँ। अच्छा, देते हैं 2 लीटर लिवर एक जानवर को, कम से कम 2 लीटर लिवर टॉनिक। अच्छा, 10-15 दिन दिया? 15 दिन। जी। अच्छा, और जैसे जब आप शुरुआत किए थे तो दूध की मार्केटिंग कैसे पकड़े थे इसके बारे में बताएंगे सर? अब दूध की मार्केटिंग लोकल में दुकान थे पहले, वहाँ पर भिजवा रहे थे। अच्छा, तो जब जिससे बढ़ता गया दूध तब यहाँ पर खिप नहीं पा रहा था तो गोरखपुर भिजवाने लगे पराग में। अच्छा जी। और यहाँ पर लोग आज भी जाते हैं 2 लीटर 1 लीटर 4 लीटर का 100 लीटर यहीं से। अच्छा, ले लेते हैं। तो 35 से 40 जानवर में सर दुधारू अभी कितनी है आपकी, दूध वाली कितनी है? दूध वाले 8 भैंस लगती हैं। अच्छा, 8 भैंस 8 भैंस लगती हैं। अब 12 गाय लगती हैं। अच्छा, 12 गाय और 8 भैंस, इनकी 20। हाँ, तो 20 गाय और भैंस मिलाकर के दूध का प्रोडक्शन कितना होता है? 200 लीटर के लगभग हो जाता। 200 लीटर पूरे साल मेंटेन करके रखते हैं या जाता घटता? नहीं नहीं, ज्यादा भी हो जाता है, कम नहीं होने पाता। अच्छा, 200 लीटर का एक अपने टारगेट बना? हमारा 200 लीटर का टारगेट है कि 200 लीटर दूध रोज होगा प्रतिदिन। अच्छा, बेसी हो ज्यादा लीटर कम नहीं होना। अच्छा, और किस रेट से दूध बेच देते हैं? अब दूध यहाँ पर तो 50 रुपया गाय का, 60 रुपया भैंस का देते हैं। अच्छा, थोड़ा पराग डेयरी पे जाता है तो रेट कम मिलता है। अच्छा, तो अगर एवरेज देखा है तो 47-48 रुपये निकल जाता है। तो जैसे दूध 47-48 रुपये बेच करके मुनाफा हो जाता है कि नहीं हो जाता? जी, हो जाता है। हो जाता है। आप जो लीजिए 200 लीटर दूध का दाम हम 40 रुपया के हिसाब से रखे, 50 छोड़ दीजिए आप, मतलब भैंस का तो कोई सवाल नहीं, 50 नहीं, लेकिन 40 लीजिए तब 8000 रुपया रोज का हुआ जी। 30 दिन का 2,40,000 हो गया। 1,25,000 रुपया दवा का, 1,50,000 रुपया निकाल दीजिए पशु का खिलाने पिलाने का, 30,000 रुपया निकाल दीजिए 3 लोगों का सैलरी वगैरह निकाल दीजिए, तब वो आपका 70-75,000 रुपया बच गया। 20,000 और अन्य खर्च निकाल दीजिए तभी 50,000 रुपया बच गया। अच्छा, तो घाटा कहाँ हुआ? अच्छा, घर बैठ के 50,000 कमा रहे हैं, गोबर अलग से खाद, अच्छा 2,000 रुपया टाली बिक जा रही है, बछिया और बछिया पड़िया है वो भी निकल जाए तो घाटा कहाँ हुआ? अच्छा, ये तो ब्याज में निकल गए, बछिया और पड़िया और खाद हो गया जी, जी। तो घाटा कहाँ आपका होगा? अच्छा, अच्छा। घाटा उन लोगों का होगा जो देख रेख नहीं करेंगे, टाइम से दाना है और पानी का ध्यान नहीं देंगे। मान लीजिए गोर चौका खा रहे हैं, कहें दाना नहीं है। अच्छा, तो दाना नहीं है, 2 टाइम दाना मिलेगा वैसे ही दूध कम हो जाएगा, तो घाटा तो हो ही जाएगा जी जी। अब पशु हाँप रहे हैं, पानी नहीं मिला, धो नहीं जा रहे हैं, तब नुकसान तो होगा करेगा। तो अभी आपके पास टोटल 3 लेबर आपने रख रखा जी है। तो 3 लेबर के अलावा आप इसमें आप कितना समय देते हैं सर? हम समय इसमें 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम। आप खुद यहाँ पे रहते हैं, देखना जरूरी होता है? एकदम, अपने हाथ हम खुद करते हैं। अच्छा, दूहते भी है, खिलाते भी हैं जी, और आवश्यकता पड़ेगी तो 12 बजे दिन को भी रात को भी हम आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, इस पर हम एकदम सारा काम छूट जाए लेकिन इस पर हम तैनात रहते हैं। अच्छा जी। तो जैसे गाय या भैंस होती है सर, 3 स्टेज होता है, एक दूध वाला समय है, तो जैसे कि 1 से 4 महीने तक माना जाता है कि पीक पर रहती है, 4 से 7 महीने तक थोड़ा सा उनका दूध कम हो जाता है, फिर उसके बाद वो गाभिन मतलब ड्राई में चली जाती है। तो तीनों में फीड बदल बदल कर देते हैं कि एक ही चीज़ खिलाते हैं? एक ही चीज़ खिलाते हैं पूरे साल, एक ही चीज़ खिलाते हैं। अच्छा, बदलते नहीं? नहीं नहीं बदलते नहीं। जैसे अगर ड्राई करना होता है गायों को तो कैसे ड्राई करते हैं सर? अब ड्राई करना होता है गाय को तो डॉक्टर बुलाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब सुखाने के लिए उसका दूध पर से हटाने? सुखाने के लिए तो मान लीजिए 1-7 महीना तक लमसम हो जाएगा तो थोड़ा उसको दाना कम कर देंगे, आधा कर देंगे जी, और थोड़ा डिटॉल टॉल दे देंगे उसे, दूध टूट जाएगा। कितने दिनों में टूट जाता है दूध? अरे टूटने में भी 15-20 दिन लग जाता है। अच्छा जी। और दूध जब छोड़ देते हैं तो उनका फीड कितना दे देते हैं सर? जब दूध छोड़ देते फिर पूरा देते हैं, फीड पूरा कर पूरा देते हैं। और अब 2 महीने में तो उनको पूरा उतना तैयार कर देना है ना, तो अच्छा। फिर पूरा दे करके उतना फिर कवर कर देना उसको। तो ज़्यादातर जो गाय पशु आपके हैं मतलब है वो कौन सी महीने में बच्चा देने का प्रयास करवाते हैं, किस महीने में? अब हम तो प्रयास करवाते हैं कि जनवरी-फरवरी में। जनवरी-फरवरी जी। इसके पीछे आपका क्या सोच है? जनवरी-फरवरी में बच्चा देगा सुचारू रूप से देंगे, गर्मी रहेगी ना, ठंडी ज़्यादा रहेगी, नॉर्मल मौसम रहेगा, उसमें बच्चा भी देगा नुकसान भी नहीं होगा जी, और कायदे से सुधर जाएंगे। गर्मी में जो देंगे तो गर्म से परेशान हो जाएंगे, गर्मी सबसे ज्यादा दिक्कत गर्मी में है। अच्छा जी।
तो सर हम ऐसा हमने अभी तक बहुत जगह पर हम घूमे हुए हैं तो उसमें लोग कहते हैं कि डेयरी का व्यवसाय बहुत घाटे का सौदा है, तो क्या आपका इसमें क्या मानना है? नहीं नहीं, हम तो मान ही नहीं सकते हैं। अच्छा नहीं, तो जैसे नए अगर युवा हो या आपके जैसे उम्र के जो व्यक्ति हो अगर इस डेयरी फार्म को शुरुआत करना चाहे तो कैसे शुरुआत करें, उस चीज़ को आप थोड़ा सा सलाह दें। नहीं, शुरुआत करना चाहे तो उसके हाथ में दूहने के लिए खिलाने के लिए उसको आता हो तभी शुरुआत करें। अच्छा, नहीं तो उसको कुछ आता नहीं तो इसमें हाथ मत डालें। अच्छा, कितने पशुओं से शुरुआत करें? अरे 4-5 गाय भैंस रख लें, फिर वहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा, जैसा उनको प्रॉफिट होगा जैसा हो सक पाओ वैसा अपन बढ़ाते चले जाएं। अच्छा जी, और किस महीने से शुरुआत करें अगर देखा? किसी महीने से शुरुआत करें तो थोड़ा जनवरी, अच्छा अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस तरीके से शुरुआत करें। और नॉर्मल दिक्कत नहीं होगी न्याय के लिए। तो दूध आपने जब शुरुआत किया था तो बेचना समिति में शुरुआत की थी, कस्टमर से? नहीं नहीं, कस्टमर से। अच्छा, और अभी भी आपका कस्टमर से? अभी कस्टमर चल रहा है। अच्छा, तो चलिए सर आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे पशुपालक बंधुओं के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।